तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग रेलवे वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोहतक रेवाड़ी डेमो एक्सप्रेस स्पेशल के एक्सटेंशन की डिमांड के अपडेट को लेकर के। जी हाँ, इस ट्रेन के बांदीकुई एक्सटेंशन की डिमांड यहाँ पर रख दी गई है। अलवर के रास्ते ये ट्रेन जो है वो बांदीकुई जाने के लिए तैयार है। अब अगर इस ट्रेन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो अब इसकी डिटेल के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी से टोटल कितनी ट्रेनें यहाँ पर चलती है रोहतक के लिए। रोहतक रेवाड़ी लाइन वैसे बना करके तो रेलवे ने छोड़ दिया है, लेकिन इसके ऊपर ट्रेनों का संचालन जो है वो यहाँ पर लगभग ना के बराबर ही होता है। दो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जिनमें से एक है साबरमती दौलतपुर एक्सप्रेस, जो कि बांदीकुई अलवर के रास्ते से ही होकर के आगे के रास्ते को क्लियर करती है, और दूसरी है 12983/84 अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि अजमेर से लेकर के चंडीगढ़ के बीच में संचालित होती है। ये ट्रेन भी जो है वो बांदीकुई अलवर रेवाड़ी के रास्ते ही होकर के जाती है। बाकी की तीन ट्रेनें जो है वो यहाँ पर एक स्पेशल नंबर से चलने वाली पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जिनमें से एक आती है रेवाड़ी एक्सप्रेस स्पेशल, जो कि रोहतक से होकर के चलती है। दूसरी अपनी जींद रेवाड़ी डेमू, और उसके अलावा है रोहतक रेवाड़ी डेमू। ये दो ट्रेनें जो है वो स्पेशल नंबर डेमू रेक से चल रही हैं। अब ट्रेन नंबर 04097-04098 जो है इस ट्रेन के एक्सटेंशन की डिमांड रखी गई है। रोहतक से ये ट्रेन हर रोज सुबह के 5 बजे, संडे के अलावा हर रोज सुबह के 5:05 पे ये ट्रेन जो है रोहतक से निकलती है और रेवाड़ी पहुंचती है सुबह के 6:50 पे। अब अगर इस ट्रेन का एक्सटेंशन होता है तो अलवर के रास्ते से बांदीकुई तक के लिए तकरीबन 3 घंटों का समय यहाँ पर लेती है ट्रेनें आमतौर पर। अब अगर इसकी टाइमिंग के बारे में बात करें तो लगभग 1 घंटे 25 मिनट का समय ये ट्रेन लेने वाली है अलवर तक के लिए, और वहीं अलवर से बांदीकुई तक के लिए भी कुछ इतना ही टाइम जो है 1 घंटे 20 मिनट से लेकर 1 घंटे 25 मिनट तक का टाइम जो है वो यहाँ पर ट्रेनें ले लेती हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो एक तरीके से 3 घंटे का ही टाइम जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर ले रही हैं। 1 घंटे 25 मिनट के बारे में अगर हम बात करें तो 6:50 पे ट्रेन रेवाड़ी पहुँच रही है। 1 घंटे 25 मिनट के बाद में हम बात करें तो लगभग 8:10 पे ये ट्रेन जो है वो यहाँ पर पहुँचेगी अलवर। 5 मिनट का होल्ट लेने के बाद में उसके बाद में ट्रेन जो है वो आगे निकल जाएगी, जो कि तकरीबन सुबह के 10 बजे ये ट्रेन बांदीकुई पहुँच जाएगी। वापसी के दौरान हम बात करें तो ये ट्रेन रेवाड़ी से रवाना होती है 7:50 पे और रोहतक पहुँचती है ये ट्रेन 9:30 पे। अब अगर हम 3 घंटों का टाइम ले बांदीकुई से रेवाड़ी के बीच में तो ये ट्रेन जो है वो तकरीबन 4:30 या फिर 4:50 तक रवाना होती है, तो भी इस ट्रेन के टाइम टेबल में किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। और रही बात टाइमिंग को लेकर के, तो ये एक पैसेंजर डेमो कैटेगरी की ट्रेन होगी, तो इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत यहाँ पर सामने नहीं करनी पड़ेगी। और हाँ, जिस टाइमिंग पे ये ट्रेनें चलने वाली है तो उसके अलावा यहाँ पे और कोई ट्रेनें जो हैं, या जैसे रानीखेत एक्सप्रेस या प्रयागराज एक्सप्रेस है, वो कोई भी टाइमिंग जो है यहाँ पे क्लैश नहीं होने वाली है। अब आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर के जरूर से बताइएगा। ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। मिलेंगे भी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।